गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीटास्किंग मामा। और मल्टीटास्किंग मामा में मैं रीना फिर से आ गई एक और नए ब्लॉग के साथ, जिसमें कि आपको बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग बातें आज पता चलेंगी। सो आज का हमारा क्या टॉपिक है? हेलो गाइस, यू एंड मी में आपका स्वागत है। मैं हूँ नीतू सिंह, और आज का जो सा हमारा टॉपिक है वो है, जैसे कई लेडीज हमारे पास आती हैं जिनके डीप नेक होते हैं या ऑफ शोल्डर होते हैं, या मतलब कि कईयों को तो पता ही नहीं होता कि मतलब कि कौन सी मतलब कि हम ब्रा वियर करें इस ड्रेस के नीचे। तो उसके लिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक देखना और लाइक का बटन ज़रूर दबाना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो उनसे छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को हमारी अपकमिंग जितनी भी नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे, कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। सो आज का, जैसे कि दी ने बताया था कि हमारे पास बहुत से कस्टमर्स आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि डीप नेक है, ऑफ शोल्डर ड्रेस है, उसमें क्या वियर करें क्या नहीं वियर करें। और मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो कि प्लस साइज की लेडीज़ होती हैं, क्योंकि नॉर्मल बी और सी कप के लिए तो ऑप्शन अवेलेबल होते ही हैं। तो आज उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सो आज हम शुरू करने वाले हैं सबसे जो बेसिक वियर ब्रा होती है उससे, ठीक है। सो सबसे पहले आती है ये ट्यूब ब्रा। तो ट्यूब ब्रा का जो डिस्क्रिप्शन है वो दी बताएंगे आपको कि ये किन किन बॉडी शेप के लिए परफेक्ट है। और तो जो से ये ट्यूब ब्रा होती है ये ऑफ शोल्डर के लिए भी ठीक है, टीनेजर जैसे कई मतलब कि ड्रेसेस वगैरह वियर करती हैं उनके लिए भी बहुत कंफर्टेबल है। और बेसिकली फैशनेबल तो है ही है, आप जस्ट लाइक हाई वेस्ट अपना जैगिंग और कोई भी जीन्स या स्कर्ट वियर कर सकते हो, उसके साथ जैसे ये ट्यूब पहन लो और एक श्रग आप ऊपर से वियर कर लो, सो जो आपकी डैशिंग लुक होगी उसका कोई मुकाबला ही नहीं होगा। सो बस अपने आप को आप उस टाइम पर किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझ सकते हैं। सो ये तो रहा कि बेसिक जो होता है ट्यूब ब्रा आती है, ठीक है। इसमें भी पैड्स होते हैं, इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस होते हैं, लाइक आपको पीछे लाइक स्ट्रिप डिज़ाइन मिल जाएगा, कच्छ में लाइक बहुत तरीके के डिज़ाइंस इसमें होते हैं। प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये जो ब्रा होती है आपकी रिमूवेबल पैड्स का ऑप्शन इसमें होता है। ये जो पैड्स हैं आप इनके साथ भी वियर कर सकते हो और आप इसको डायरेक्ट भी एज एन ट्यूब वियर ब्रा वियर कर सकते हैं, करेक्ट। सो देखा कितना इजी है, जिसको ब्रा पहननी है वो स्पोर्ट्स ब्रा वियर कर नॉर्मली ये ब्रा वियर कर सकते हैं, और जिसको पैड का यूज़ करना है तो आप इसको पैड को इंसर्ट भी कर सकते हैं, विच इज़ सो ईजी। और सेकेंड जो ब्रा हमारी आती है वो आती है जैसे डीप नेक ऑफ शोल्डर या पार्टी वियर ड्रेस कोई भी होती है उसके लिए, स्टेप जैसे होते हैं इसके स्ट्रैपलेस होती है, ये होते हैं इसके बैक में आते हैं, ये आपके शोल्डर पे आएंगे। शोल्डर पे आपको कैरी करना है तो करो, बेशक बिना उसके भी कर सकते हो, ये ब्रा कहीं नहीं जाएगी। हाँ, क्योंकि इसके नीचे वायर जो वायर जो होती है एग्जैक्टली गिरेगी। एग्जैक्टली ये जो आप चीज़ देख सकते हैं ये पूरा इसमें वायर दिया हुआ है, एंड नीचे से हल्का सा कुशनी और पुशअप स्टफ है जो कि आपकी जो ब्रा हो ब्रेस्ट होंगी उनको लिफ्ट अप करता है, करेक्ट। सो अभी आप देख सकते हैं ये आप एज एन विदाउट स्ट्रैप भी वियर कर सकते हो और आप इसको स्ट्रैप के साथ भी वियर कर सकते हैं। सी तो इस टाइप की जो ब्रा होती हैं वो आपको सभी साइजेस में मिल जाएगी, बट अगर आप मोस्ट ऑफ द पैडेड रेंज में जाते हो तो वो आपको इम्पोर्टेड में मिलेगी, तो वो सिर्फ बी और सी कप के लिए ही होती है। बट अगर आपका प्लस साइज है डी या ई या एफ या जी या और भी प्लस साइज में रहता है तो आप एक अच्छे ब्रांड के साथ जा सकते हो, तो वहाँ पर आपको इस तरीके की बहुत अच्छी वेराइटी वगैरह मिल जाएगी, जैसे कि एनामोर हो गया, अमानते हो गया। सो इन कंपनीज में आपको प्लस साइज के लिए भी बहुत अच्छी ब्रा मिल जाते हैं, ठीक है। बस ये कि कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट फैशन का ज़माना है भाई, कॉस्ट कौन देखता है, क्योंकि कंफर्टेबिलिटी मैटर करती है। बट जिनके प्लस साइज है उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, वो इतना मायूस ना होए, उसके लिए हमारे पास है ये फ्री ब्रा। बिल्कुल, ये जो होती है ये एक लाइक जेली टाइप का ब्रा होता है, सिलिकॉन ब्रा बोलते हैं इसको। जस्ट लाइक दिस, ये जो ब्रा होती है इसकी जस्ट आप फिल्म यहाँ से रिमूव करेंगे और ये जस्ट आपकी बॉडी के साथ पेस्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा सिलिकॉन है तो सैगी कहीं से फीलिंग होगी, तो जस्ट यू जस्ट डोंट वरी, इसमें भी सैगीनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि
इसमें आपकी ब्रेस्ट को होल्ड करने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें भी ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स होती हैं जो कि यहाँ पर है और ये साइड। सो ये जो स्ट्रिप होती है ये आपका इस तरीके के शोल्डर पर नहीं आता, नॉर्मल शोल्डर पर नहीं आएगी। ये जो स्ट्रिप होती है ये जस्ट यहाँ से आपका शुरू होगी और इस साइड से यहाँ पर अटकती है। सो डैट ये होता है कि उसको एक होल्डिंग के लिए कवरेज मिल जाती है कि होल्ड आपकी ब्रेस्ट को करेगी। तो हैवी ब्रेस्ट में ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। और जिन लोगों ने यूज़ नहीं करा वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये फ्रंट ओपन होती है तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप इसको पहले हटा देंगे, सेंटर से अलग कर देंगे, ठीक है। साथ में इसकी जो फिल्म है इसको आप रिमूव कर देंगे और इसको रिमूव करके इसी बॉक्स में आप इसको सेपरेटली रख दीजिए। बिफोर यूजिंग आपको जस्ट अपनी ब्रेस्ट को नॉर्मली वाटर से वाइप करना है। उसके ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना, कोई पाउडर यूज़ नहीं करना। जस्ट वाइप करने के बाद जस्ट इसकी फिल्म निकाल कर आपको इसको जस्ट अपना ब्रेस्ट पर पेस्ट कर देना है। और जब दोनों सिलिकॉन पैड्स को जब आप पेस्ट कर लेंगे उसके बाद आप इसको लास्ट में टाई अप करना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप कि आपको कितना कवरेज उसमें चाहिए होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कि आपकी कंफर्टेबिलिटी किस जोन में है। सो ये रहा हमारी लाइक प्लस साइज लेडीज़ के लिए, बट इसमें भी सिर्फ डी कप तक ही आता है, डी से प्लस नहीं होता, ठीक है। तो जब भी आप मार्केट जाते हैं तो ध्यान से आप इसके बारे में कंफर्म करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और तभी इसको परचेज कीजिएगा। अदरवाइज आपका वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा अगर आपने ये ब्रा कम अपने साइज के अकॉर्डिंग नहीं ली, क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड होता है। अगर एक बार एक आपकी बॉडी पे पेस्ट हो गया तो दूसरे पर्सन को मतलब मोस्ट ऑफ द जो शॉपकीपर्स होते हैं वो इसको रिटर्न और एक्सचेंज नहीं करते हैं, और आप इसको शॉप पे जाके मतलब कि ट्राई भी नहीं कर सकते हो। एग्जैक्टली। सो हमेशा इस बात का बहुत ध्यान देना कि कप साइज जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप कौन से कप साइज की ब्रा वगैरह वियर करते हैं। सो अगली ब्रा जो आती है वो आती है हमारी पुशअप में, इनविजिबल पुशअप ब्रा। बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। जो मैंने अभी आपको फ्री ब्रा सिलिकॉन वाला बताया था वो काफ़ी ओल्ड फैशन हो गया है, बहुत टाइम से चल रहा है। बट यू नो फैशन का दौर है, ट्रेंड चेंज होते ही रहते हैं। तो उसके लिए एक और आ गया है ऑप्शन ये वाली ब्रा का। क्योंकि क्या होता है कि बेसिकली सिलिकॉन जो ब्रा होती थी उसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे क्योंकि सैगी ब्रेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो उस सैगीनेस को दूर करने के लिए भी ये इस टाइप के ब्रा आते हैं। ये भी आपके कप साइज में होता है, बी सी डी कप्स में। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि आपकी जो ब्रेस्ट है उसको ये लिफ्ट अप कर देगा। आप जैसे इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, पेस्ट करके जैसे इसको आप कितना भी ऊपर आप इसको करोगे पेस्ट तो उतना ही आपके उसको ब्रेस्ट को लिफ्ट अप करेगा, जस्ट लाइक दिस। पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाया हुआ है कि पहले पेस्ट कराए एंड देन आप उसको अपलिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें भी बहुत तरीके के डिज़ाइन आते हैं। सो अभी मेरे पास सिर्फ बेसिक पैटर्न ही है, ठीक है। यूज़ करने का तरीका सेम लाइक जो फ्री ब्रा थी उसी की तरह ही होगा आपका। जस्ट ब्रेस्ट को वाइप करना है एंड डायरेक्टली इसको अप्लाई कर देना है, नो पाउडर नो मॉइस्चराइजर, राइट। एंड आफ्टर डैट आता है नीपल पैड्स। निपल पैड्स बेसिकली होते हैं, आज की जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। यू नो जब भी आप किसी ने कोई भी टाइट ड्रेस वियर किया है तो उसमें क्या होता है कि सम हाउ की जो निपल्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, राइट। सो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये है आपका निपल पैड्स, जो कि सिर्फ निपल के ऊपर ही पेस्ट होते हैं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपका मन नहीं है ब्रा वगैरह वियर करने का तो जस्ट आप टी शर्ट के नीचे भी इसको इसको यूज़ करने के बाद आप खाली टी शर्ट भी वियर कर सकते हो, बिकॉज ये आपके निपल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सिलिकॉन बेस्ड होता है और सेम इसका भी यूज़ उसी तरीके से है। गाइज आपको कैसी लगी ये वीडियो और किस किस ने ये मतलब कि जो हमने ब्रा दिखाई हैं, जो भी पुशअप ब्रा जो भी दिखाई हैं, आपने किस किस ने ये यूज़ कर रखी हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और
करें फिर रीना एंड इनका। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी डेफिनेटली, और पसंद आनी भी चाहिए भाई, क्योंकि कुछ नॉलेजेबल तो है ही है और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके साथ होते हैं। एंड होप इन फ्यूचर आप लोगों को इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। सो अगर किसी का क्वेश्चन हो तो हमें व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम में कहीं पे भी पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। सो हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थोड़ा सा कीजिए वेट, और टिल देन बाय बाय।